हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकार्ट नीटिंग। गाइज, आज के वीडियो में मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, नया ड्रेस लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी का, ये वाला जो कि मैं पहनाया हुआ है मैंने। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही इजी वे से बनाई गई है, सिंपल। हमने उल्टे उल्टे फंदों से इसको सारे को तैयार किया है और बिगनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, यूनिक तरीके से इसकी कैप बनाई गई है, यूनिक तरीके से इसका पोंचो बनाया गया है, और जो नीचे आप देख रहे हो ना स्कर्ट, तो ये भी बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है। बैक साइड से इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आता है। ये देखिए, पूरा कवर हुआ है, कहीं से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमें कोई डाउट रहे कि नज़र आएगा। तो मैंने बीच बीच में बताया हुआ है वीडियो के कि हमने कितने नंबर के लिए कितना बनाना है। आप अगर छोटे नंबर के लिए बना रहे हो तो दो फंदे, तीन चार के लिए बना रहे हो तो दो फंदे कम कर दीजिए, जीरो और एक नंबर के लिए बना रहे हो तो तीन फंदे कम कर दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपने, जैसे कि मैंने बताया कि आपने पोंचों को मेज़र कैसे करना है, उसी तरीके से कीजिए। और अगर आप इसको बड़े नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो उसी तरीके से आप हर नंबर के लिए दो दो फंदे इंक्रीज़ कर दीजिए, और जो फ्लेयर है इसको भी आप एक नंबर के हिसाब से आपने 10 फंदे कम करने हैं। फ्लेयर में हम दो चार फंदे कम नहीं करेंगे, 10-10 फंदों के हिसाब से हम कम करेंगे कि हमें, क्योंकि ये फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया है इसको, तो बहुत प्यारी ड्रेस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लड्डू गोपाल जी की स्कर्ट बनाएंगे। स्कर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी नीडल पर जो है 12 फंदे डाले हुए हैं, और मैंने 10 नंबर की नीडल ली है, 10 नंबर की नीडल है, और नीडल पर मैंने 12 फंदे डालिए हैं। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और वर्धमान ब्रांड की वूल है, लच्छे में आती है ये, ऐसे मैंने बॉल बना ली है। और अब हम बुनना शुरू करते हैं। पहली रो हम उल्टी बुनेंगे, बहुत आसान तरीके से बनती है ये। फर्स्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। बैक साइड से भी हम उल्टा बुनेंगे, इसलिए मैंने धागा पहले ही पीछे कर लिया। हमने ना दोनों साइड से पहले फंदे को बुन के लेना है। इस साइड से भी हम फंदा बुनेंगे, स्लिप नहीं करेंगे, और दूसरी साइड से तो हमने फंदा बुनना ही है, क्योंकि उस तरफ हमारी जो है रिंग बनेंगे। तो ऐसे हमने रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुन लेना है। अब देखिए, अब यहाँ से गौर से देखिए क्या हमारा पैटर्न बना, यहीं से शुरू हो जाएगा। पहले दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर इस फंदे को इसी के फंदे के ऊपर लेंगे, फिर से दो का एक बनाया, दो फंदे कम हो गए, फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, तीन फंदे कम हो गए, फिर से इस फंदे को इस फंदे के साथ लेंगे और चार फंदे कम हो गए। अब देखिए, ये हमारा वो फंदा है जो हमने लास्ट में बचाया है। इस साइड हमारे 2, 4, 6, 7 और ये 8, 4 फंदे हमने बंद कर दिए। अब इस फंदे में हम ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे और इसमें से एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को इस नीडल पर ले लेंगे। अब इसके बीच में से एक और फंदा बनाएंगे, फिर से इस फंदे को इस नीडल पर ले लेंगे, इसके बीच में से हम तीसरा फंदा बनाएंगे और इसको इस नीडल पर ले लेंगे, फिर से इसके बीच में से हम चौथा फंदा बनाएंगे और इस नीडल पर ले लेंगे। अब हमने इसके बीच में से नीडल नहीं निकालनी, इस फंदे को उल्टा बना लेना, जो फोर्थ स्टिच होगा हमारा उसको उल्टा बनाएंगे। अब तीसरे को बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर पहला, ये तो 4 स्टिच जो हैं हमने बनाए हैं, ये 5th स्टिच है, इसके साथ सटा रहेगा हमेशा, क्योंकि इसके बीच में से हमने इसको फंदे को बढ़ाना शुरू किया है, और इस साइड जो हमारे फंदे होंगे उनको हम उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने राइट साइड से रो कंप्लीट कर लेनी है,
इसकी हर नीडल में पैटर्न है, कोई भी नीडल स्किप नहीं होती जो बिना पैटर्न की हो। ऐसे रॉन्ग साइड से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। 12 फंदे हैं हमारे पास, 12 फंदे हमारे कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हमारा पैटर्न जो है स्पॉइल हो जाएगा। ये देखिए सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए, जैसे हमारी यहाँ पर ये देखिए एक जो है स्टिक बन चुकी है, अब हम दूसरी बनाएंगे सेम तरीके से, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। 4 फंदे हमने कम करने हैं, एक हो गया, ये 2 फंदों का फिर से एक फंदा कम किया, 2 हो गए, 3 और ये 4, 4 फंदे कम कर दिए हमने। अब हमने इस फंदे के बीच में से 4 फंदे निकालने हैं, एक नीडल पर लेंगे, इसके बीच में से दूसरा, इसको नीडल पर लेंगे, इसके बीच में से तीसरा, फिर से नीडल पर लेंगे, इसके बीच में से चौथा, और चौथे फंदे को पहले उल्टा बनाएंगे, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, फिर पहले को, और ये पांचवा स्टिच है जो हमने इसके बीच में से 4 फंदे निकाले, इसलिए ये 5 फंदे जो हैं एक साथ सटे हुए रहते हैं, दूसरे फंदे थोड़े इसके डिस्टेंस में रहते हैं। तो बहुत आसान है ये बनाना, सिर्फ 2 रो में बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारी 2 स्टिक बन चुकी हैं, ऐसे हम तीसरी बनाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ बनाना। ये देखिए पहले हम फंदे काउंट करेंगे कि हमारे 12 के फंदे 12 ही ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12वें फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब राइट साइड से देखिए, पहले 4 फंदों को हमने ना कम कर देना है। अगर हम 4 फंदे कम करते हैं ना तो साथ में 4 बढ़ा भी लेते हैं। दूसरा फंदा कम हो गया, ये हमारा तीसरा फंदा कम हो गया, ये हमारा चौथा फंदा कम हो गया। जब 4 फंदे कम हो जाते हैं तो इस फंदे के बीच में से हम 4 फंदे फिर से बनाएंगे, एक, इसी के बीच में से दूसरा, दो, तीन और ये 4। 4 फंदे बनाए, अब चारों को हम उल्टा बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 फंदे बनाए थे हमने बीच में से, और ये पांचवा जिसके बीच में से हमने फंदा बनाना शुरू किया। इसी तरह हमने बनाते बनाते इसको काफ़ी लंबा कर लेना है। तो ऐसे देखिए हमारा पैटर्न बनना शुरू हो चुका है, अब नज़र आना शुरू हो चुका है हमारा पैटर्न कैसे शुरू होता है। ये देखिए तो ऐसे ही मैं काफ़ी इसको लंबा कर लूँगी बनाते बनाते। हमारी लंबी पट्टी है जो बनके रेडी हो चुकी है, मैंने इसको इतना लंबा बना लिया है। अब देखिए इसको हम, ये हमने जो पट्टियाँ बनाई हैं इसी के हिसाब से मेजर कर लेंगे कि हमने कितनी बनाई हैं। मैं इसी को काउंट करके आपको दिखा दूँगी कि हमें कितनी बनानी चाहिए, अदरवाइज आप मेजरिंग टेप से भी मेजर कर सकते हो हमने कितना लंबा चौड़ा बनाना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 70, 78, 78 मैंने बनाई है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के नंबर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो सेम मेजर में से हमने जितनी इतनी लंबी चौड़ी है, ये तो हमने 12 फंदों पर से बनाई है ना, ये मैंने 10 नंबर से बनाई है। नंबर सेम है, इसकी लेंथ जो है सेम है, लेकिन सिर्फ फंदे इसमें 10 किए हैं, इसमें 12 किए हैं। अब हमने
ये देखिए जो मल्टी कलर है तो दोनों साइड से ना इक्वली नज़र आता है, इसकी उल्टा सीधा साइड कम पता चलती है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये हमारी राइट साइड है, क्योंकि जब भी मेरा जो ये वाला धागा होता है ना राइट साइड में बचता है तो उससे मुझे पता चल जाता है कि हमारी राइट साइड कौन सी है। ये वाली राइट साइड है और इसमें मैंने दोनों साइड धागे छोड़ रखे हैं, एक साइड छोटा छोटा हुआ है और एक साइड बड़ा। तो इस साइड से मेरी ये वाली राइट साइड है, ये वाली। तो अब हम इनको रखेंगे। पहले हमने ना ऐसे जो बड़ी पट्टी है उसको रख लेना है, उसके बाद हम इसको छोटी को रख लेंगे। छोटी को ना हमने ऐसे रखना है थोड़ा ऊपर उठा के, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। पहले हम छोटी को नीचे रख लेते हैं, छोटी को नीचे रख लेंगे। और बड़ी पट्टी को थोड़ा नीचे कर लेंगे इसके, ऐसे इतना नीचे हमने कर लेना है। इतना नीचे करके हमने यहाँ से सिलाई कर देना है, ऐसे फ्रिल बन जाएगी थोड़ी, आउटसाइड में हमें फ्रिल नज़र आएगी। ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमने जो है बड़ी पट्टी नीचे रखनी है और छोटी ऊपर रखनी है। तो इससे नीडल में धागा इंसर्ट कर लूँगी। मैंने ये धागा छोड़ रखा है ताकि बार बार हमें धागा जॉइंट ना करना पड़े। देखिए ऐसे हम यहाँ से लेंगे, इतना इतना डाउन करके लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमने यहाँ से फंदा उठाना है, जो मैंने छोटी पट्टी का भी धागा छोड़ रखा है उसको हम बाद में कट कर देंगे। लेकिन हमारा ये रहना चाहिए कि हमारा जो धागा है ना वो इस साइड नहीं निकलना चाहिए, इतना डीप स्टिच हमने नहीं लेना कि हमारा धागा ही हमें बाद में पीछे से नज़र आए। वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि मल्टी कलर है, इसमें मिक्स होता जाएगा। कई बार होता है कि हर कोई मल्टी कलर से नहीं बनाता तो उसका बाद में बाहर से नज़र आएगा। तो ऐसे हमने ये देखिए थोड़े थोड़े गैप में स्टिच लेते जाना है और दोनों स्टिप को हमने ऊपर नीचे रख के स्टिच कर लेना है। तो ऐसे मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। तो मैं कर लेती हूँ, इतना लंबा है जो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें करते करते। तो मैंने देखिए बैक साइड से इसको पूरे को स्टिच कर लिया ऐसे, इतना इतना गैप, इक्वल गैप रखा है मेरे सारे पैटर्न में। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसके साथ दूसरा कदलर हम ज्वाइन करेंगे ऐसे करके और फंदे उठाएंगे। फंदे हमने कोई पार्टिकुलर नहीं है हमारा कि हमने कितने फंदे उठाने हैं, जितने फंदे हम उठा सकते हैं ना उतने फंदे उठाएंगे। कोई चैन छूट भी सकती है किसी में से, दो नहीं हमने निकालने, कम हो जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखिए ऐसे फिर से फंदा उठाएंगे और साथ में इस धागे को दबाते जाएंगे ताकि ये बाहर ना निकले। हमारी जो ऊपर वाली स्ट्रिप है ना, नीचे वाली तो हमने बंद कर दी, जो हमारी ऊपर होगी उसके बीच में से हम फंदे उठाते जाएंगे। बहुत ईजिली निकल जाते हैं फंदे, पूरी हमने यहाँ तक लास्ट तक ना इसमें फंदे ऐसे उठाते जाना है। और जहाँ तक हो वहीं तक हम इस धागे को दबाते जाएंगे। एक तो क्या होगा कि इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से धागा बंद किया है और कहाँ से शुरू किया है। और दूसरा हमारे जो फंदे हैं ना लास्ट में आके हमारे फंदे लूज हो जाते हैं, वो नहीं होते। नंबरलेस फंदे हमने उठाने हैं, कोई पार्टिकुलर नहीं हमने कितने उठाने हैं, बस इस आइडिया है कि 100 से 120 तक हमारे फंदे होने चाहिए।
इससे कम नहीं होने चाहिए। फंदे उठा के उसके बाद मैं 6 रो बनाऊंगी उल्टे उल्टे फंदों की, दोनों साइड से हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं 6 रोज। 6 रो बनाएंगे तो हमारी 3 जो लाइन निकल के आएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या किया है। मैं जाली डालूंगी इसमें डोरी डालने के लिए। अगर आपने ज़्यादातर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो हर वीडियो जिसमें स्कर्ट बनती है तो उसमें मैं जाली ज़रूर बनाती हूँ। मैं ऐसे ही सीधा नहीं डोरी निकालती खींच के फंदों के बीच में से, तो मैं हमेशा जाली बना लेती हूँ, ईजिली हमारी डोरी जो है इंसर्ट हो जाती है। तो ऐसा करते हुए ये देखिए काफ़ी फंदे मैंने उठा लिए हैं, तो पूरी रो में मैं फंदे उठा लूँगी। मैंने देखिए सारे फंदे उठा लिए हैं, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। बुनने का तरीका सेम रहेगा, मैं सारा जो प्रोजेक्ट है मैं उल्टे फंदों से ही बनाऊंगी, तो इसको हम उल्टे फंदों से ही बुनना शुरू करेंगे। सीधी तरफ से भी हम उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे। 6 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही बना लेंगी। मैं 5 सिलाइयाँ बनाऊंगी, 6th रो में मैं जाली बना दूंगी। अगर आप जाली नहीं बनाना चाहते तो 6th रो में आप बंद कर दीजिए। तो ऐसे करते हुए मैं दोनों साइड से थोड़ा पैटर्न बना लूँगी, 2-3 रो निकाल लूँगी ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 3 लाइनें निकल के आई हैं, 1, 2, 3, तो 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाता है। 6 सिलाइयाँ मैंने डाल के अब इसको बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जाली डालेंगे, अगर मैं जाली डालूँगी तो मेरी 4 सिलाइयाँ और आएंगी, तो उससे जो मेरा जो फ्लेयर है ना उसकी शेप नहीं अच्छी आएगी। तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, हम इन्हीं फंदों में डोरी डाल लेंगे। डोरी डालनी है, आप इन्हीं फंदों में भी डाल सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने ऐसे एक धागे में नोट लगा लेनी है। आप क्रोशिया हुक किसी भी नंबर का ले सकते हो, वूल वाला होना चाहिए। ऐसे एक होल बना लेंगे, होल में से हमने ऐसे निकालते जाना है। मीडियम सा लूप होना चाहिए हमारा, ना टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए। ना तो टाइट की शेप आती है ना ही ज़्यादा लूज लूप की शेप आती है। तो ऐसे हम सिंपली हमने इसके बीच में से इंसर्ट करते जाना है और हमारी जो डोरी है वो बनती जाती है। इससे हम एक लंबी डोरी तैयार कर लेंगे जो कि हमारा घेर में आसानी से आ सके और नोट भी आ जाए उसकी। इतनी लंबी हमने डोरी बनानी है। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ एक लंबी डोरी। हमारी डोरी जो है बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमने जो पहले धागा कट किया है इसको यहीं पर बंद कर देंगे, अदरवाइज फंदे निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे नीडल में इंसर्ट करेंगे और राइट साइड है यहीं से पीछे ले लेंगे ऐसे, यहाँ पर पीछे गुम कर देंगे इसको। ऐसे हमने यहीं पर गुम कर देना है इसको, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना क्योंकि धागा हमारा इतना लंबा नहीं है। ऐसे करके ऐसे पीछे छोड़ देंगे। अब हमारा यह धागा निकलेगा नहीं। अब हम इस डोरी के धागे को ना नीडल में डालेंगे। इसमें ना हमने पहले धागा छोड़ लेना है क्योंकि डायरेक्ट जो है नीडल के होल में जाएगी नहीं, मोटी होती है नीडल का जो होल होता है वो थोड़ा बारीक होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे ना सुई में फंदे उतारते जाएंगे, ऐसे करके एक एक करके हमने सुई में फंदे उतारते जाना है और सभी फंदों में हमने नीडल जो है इंसर्ट करके डोरी डाल लेनी। ऐसे खींच लेंगे, देखिए ऐसे करके, और बचे हुए फंदों में भी हमने ऐसे ही डोरी डाल लेनी है।
तो चलिए मैं डाल लेती हूँ सभी फंदों में, क्योंकि फंदे काफ़ी हैं। ऐसे करते हम सभी फंदों में डोरी डालते जाएंगे। मैंने सारे फंदों में ये देखिए जो डोरी है डाल ली है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको तो हम कट कर देंगे दोनों साइड से। और ये देखिए काफ़ी है, इसकी नोट भी आसानी से आ जाएगी। ऐसे हमारा जो फ्लेयर है वो रेडी हो चुका है, देखिए बहुत शानदार फ्लेयर बना है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे, इसको साइड में रख देते हैं। चोली बनाने के लिए देखिए मैंने ना सिंगल धागे से ही नीडल पर ना 12 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। ये देखिए मैं काउंट कर देती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदे हैं हमारे पास। अब हम इन फंदों को बुनना शुरू करेंगे। पहली रो है जो उल्टे फंदों की बनाएंगे। वैसे तो हमारा ये पूरा पैटर्न है उल्टे फंदों का ही है, मैं सीधे फंदों का नहीं बना रही। बारह के बारह फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। राइट साइड से फर्स्ट रो हो चुकी है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। रॉन्ग साइड में भी हमने सेम तरीके से फंदों को उल्टा ही बनाना है। पहले फंदे को ऐसे बुन के सीधा धागा अपनी तरफ ले आएंगे और उल्टा फंदा बनाना शुरू कर देंगे। इस चोली को बनाने के लिए जो हमने ये वाली दो रो डाली है ना उल्टे उल्टे फंदों की, ये कंपलसरी हैं, इसको तो हमने बनाना ही है, क्योंकि हमारी चोली बनना इन्हीं फंदों से शुरू होती है फर्स्ट रो से ही। अब देखिए अब हमने ना पहले 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे तो मैंने ये देखिए बुन लिए। अब देखिए 2, 4, 5 हम इस साइड छोड़ेंगे, बीच में हमारे दो फंदे बचेंगे, इनको हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे इन दो फंदों का। अब करना क्या है, धागा पीछे करेंगे, हमने ना जाली डालनी है। जैसे कि हमारा धागा अपनी तरफ है तो मैं ऐसे जाली डाल देती हूँ। देखिए सिंपल तरीके से ऐसे हमने सीधा फंदा बनाया और साथ में जाली डाल दी, एक हो गया। जाली हमने किस साइड डाली है, जिस तरफ हमारे 5 फंदे बचे हुए उस साइड हमने जाली डालनी है, उसके बाद हमने फंदा बुनना है। अब फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और धागा ऐसे नीडल पर रैप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब उल्टे फंदे हैं तो धागा तो हमको अपनी तरफ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे नीडल पर धागा रैप कर लेंगे और 5 फंदे हैं जो उनको उल्टा बना लेंगे। दोनों साइड मैंने जो जाली बनाई है ना 5 फंदों के साथ में बिल्कुल जड़ में बनाई है। 2 फंदे जो हमने सेंटर में सीधे रख लेने हैं, उनको हर बार हमने सीधा ही बुनना है, और जो फंदे बढ़ते जाएंगे उनके साथ हम जाली बनाते जाएंगे। जैसे इस बार तो मैंने 5 फंदे बनाए, जाली डाली, जाली से भी फंदा बढ़ता है, तो क्या होगा कि हमारे एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ जाएगा। तो ऐसे उल्टी तरफ से भी हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब हम आके हैं राइट साइड, फिर से देखिए एक बार। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा फंदा वो है जो हमने जाली से बढ़ाया है। बीच में हमारे 2 फंदे जो ये देखिए सेंटर में सीधे आ रहे हैं। अपना अपना तरीका हो जाता है, लेकिन मुझे मेरा तरीका ही पसंद है, मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। ऐसे नीडल पर धागा रैप कर लूँगी मैं, वो पहले मैंने राइट साइड से ऐसे बताया था आपको जाली बनाना। अब देखिए ऐसे नीडल पर धागा रैप करेंगे पीछे धागा करके, और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, नीडल पर धागा रैप कर लेंगे और 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी आएगी। जैसे कि 2 जालियां मैंने आपको बना के बता दी हैं, टोटल हमने 8 जालियां बनानी हैं, 6 जालियां भी हमारी बची हुई हैं हमारी, तो उनको भी हमने ऐसे ही बना लेना है। पहले 5 फंदे उल्टे बनाए, फिर हमने 6 बनाए, जाली से फंदा बढ़ा, तो इस बार हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। बीच में हम
दो फंदे सीधे रखेंगे, उनको सीधा ही जाने देंगे, उनको हमने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी उनके साथ। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ऐसे ऐसे ना नज़र आना शुरू हो चुका है। ये बीच में हमारे जो दो फंदे हैं ना, इन दोनों की हमने दोनों साइड जाली डालनी है। जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उसके साथ जाली डालते जाएंगे, लेकिन हमने इन दो फंदों को अलग नहीं करना। तो ऐसे ही छह जालियां अभी और बना लेंगे हम। तो मैं बना लेती हूँ छह जालियां। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। इस बार हमारे सात फंदे हो चुके हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये फंदा हमारा जाली से बड़ा सात हो गए। धागा पीछे करेंगे, नीडल पर धागा रैप करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, नीडल पर धागा रैप करेंगे, फिर से सात फंदे उल्टे। फंदे हमारे दोनों साइड इक्वली बढ़ने चाहिए, कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करते हुए हम अभी पांच जालियां और बना लेती हूँ मैं, तो बाद में दिखाती हूँ आपको कि मेरी कितनी जालियाँ हो गई हैं। आठ जालियाँ मेरी बन चुकी हैं। तो आठवीं जाली डालने के बाद ये मैं उसकी बैक साइड की रो में हूँ। ये देखिए ये मेरा जाली वाला फंदा आ गया और ये दो बीच के सीधे आ गए। फिर से जाली वाला फंदा आया और इस साइड के हम उल्टे फंदों को बना देंगे। तो ऐसे करते हुए मैंने ना आठ जालियाँ बना ली। रॉन्ग साइड से हमारी रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं राइट साइड। राइट साइड में पहले हम एक बार जाली को देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी जालियाँ बनी हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये नीडल के साथ में है जो आठ। आठ जालियाँ बन चुकी हैं। अब देखने की बात इसमें ये है कि अब हम ना पहले इनको डिवाइड करेंगे आधे आधे फंदों में। आधे आधे फंदों में डिवाइड करना बहुत आसान है। एक तो आप काउंट करके भी हाफ़ कर सकते हो, और दूसरा जो इसका तरीका है हाफ़ करने का, सिंपल सा तरीका है। देखिए दो फंदे हमारे आते हैं ना, दो फंदे सीधे आते हैं हमारे, एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। तो देखिए अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, दो चार छः आठ दस बारह चौदह, चौदह तो इस साइड हो गए हमारे, चौदह फंदे ही हमारे इस साइड होने चाहिए। दो चार छः आठ दस बारह चौदह। तो देखिए ऐसे बहुत ईजीली हो जाता है। जो मैं कह रही थी ना स्टार्टिंग में कि जो हमारे दो फंदे हैं ना सीधे, वो बिल्कुल सटे होने चाहिए। और ये देखिए जो बनी हुई है ना जाली, दोनों साइड कितनी सुंदर लग रही है। एक तरह का एक पैटर्न बन चुका है। काम तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन काम को सही तरीके से किया जाए तो उसमें और भी ग्रेस आ जाती है। तो दोनों जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इसको डिवाइड करने के, क्या होता है कई बार हम पहले फंदे में जाली डाल लेते हैं, दूसरे फंदे में जाली डाल लेते हैं, उसके बाद हम उल्टे फंदे बनाना शुरू करते हैं। वो मुझे बिल्कुल तरीका पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हमने ना आधे फंदे छोड़ देने हैं इस नीडल पर। अब एक नई नीडल ले लेंगे हम ऐसे, और इन फंदों को फिर से बनाना शुरू कर देंगे। अब हमने कोई भी जाली नहीं डालनी, सिर्फ हमने फंदों को बुनना है उल्टा उल्टा ऐसे। पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस रो को उल्टा बनाएंगे। ऐसे रॉन्ग साइड से उल्टा हो गया। राइट साइड में जाएंगे, धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बना लेंगे, क्योंकि हमने वापस इस साइड में आना है तो हमें धागा इस तरफ चाहिए। सॉरी धागे में फंदे निकल चुके हैं। इन साइड से भी हमने इन फंदों को उल्टा ही बनाना है। चाहो तो आप सेफ्टी पिन में भी फंदे भर सकते हो, अगर आप तीसरी नीडल को नहीं हैंडल कर पा रहे, और अगर आपके पास स्टिचेस होल्डर है तो उसमें भी आप उसको
सिक्योर कर सकते हो। मैं नीडल में ही रख लूँगी तो नीडल में भी रह जाते हैं। ये देखिए मैंने ना दोनों साइड से एक एक रो बना ली है। ऐसे ही करके हमने कम से कम 14 धारियाँ निकाली हैं। 28 रो बनाएंगे तो 14 धारियाँ निकल के आएंगी, 30 भी हो सकती हैं और हमारी जो 26 धारियाँ भी हो 26 रो भी हो सकती हैं। तो देखते हैं कि कितने में हमारा जो पोंचो है वो बन के रेडी हो जाता है। तो उतना लंबा हम थोड़ा सा कर लेंगे इसको। मैंने ये पार्ट इतना लंबा कर लिया है। इसमें मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का डबल करेंगे तो 22 हो जाता है। 22 सिलाइयाँ मैंने डाली हैं और 11 मेरी रो निकल के आई हैं। इसका मैंने मेजरमेंट क्या लगाया है कि अगर आप किसी भी नंबर के लिए ड्रेस बना रहे हो, देखिए इससे बड़े ये और 4 और 5 नंबर के लिए बिल्कुल सेट आएगी। अगर आप इससे छोटे के लिए बना रहे हो, 1 और 2 नंबर के लिए, 4 फंदों से शुरू कीजिए। 0 और 1 नंबर से बना रहे हो तो 2 फंदों से शुरू कीजिए। और इसकी लेंथ कैसे हमने मेजर करनी है ये देखिए, ऐसे ना हम इस कॉर्नर से पकड़ के इस कॉर्नर तक जाएंगे। जैसे देखिए ये हमारा ऐसे है ना, इसको हम ऐसे त्रिकोणा लेके जाएंगे तो देख लेंगे कि हमारा जो है पैटर्न सेट आ चुका है कि नहीं। इसी से हमारा जो पोंचो बनता है इसी शेप में आएगा, क्योंकि बाद में बन के हमारा तो हमें इसी शेप में चाहिए। तो हमने इतनी लेंथ बढ़ानी है, चाहे फंदे कितने भी हों आपके, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो आपने जो ऊपर वाली पट्टी बनानी है ना उसको ऐसे मेजर करना है कि हमें कितने फंदे और कितनी सिलाइयाँ और बनानी है। अब देखिए हम इसको ना बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ कैसे करेंगे मैं ना ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ। अगर हम राइट साइड से बंद कर रहे हैं तो हम सीधे फंदों की तरह बंद करेंगे। बनाया तो हमने उल्टा है लेकिन बंद हम सीधे फंदों की तरह करेंगे क्योंकि हम राइट साइड से बंद कर रहे हैं। अगर आप उल्टी साइड से कर रहे हो तो आप उल्टे फंदों की तरह बंद करोगे। उसका रीज़न ये है, अभी मैं दिखाती हूँ। 2-4 फंदे बंद हो जाएंगे तो पीछे जो चैन बनती जाती है ना वो हमारी राइट साइड में नज़र आनी चाहिए। ये देखिए ये चैन जो है देखिए राइट साइड में नज़र आ रही है। इससे ना जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी ग्रेस बढ़ जाती है। मैंने पहले भी बताया काम हम सभी करते हैं लेकिन काम को तरीके से कर दिया जाए तो जो हम चीज़ बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी ग्रेस जो है डबल हो जाती है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना बहुत काम के होते हैं। अगर हम उल्टी साइड से उल्टे फंदों से करेंगे ना तो भी हमारी ये चैन सीधे साइड से ही आएगी नज़र, और अगर हम उल्टी साइड से सीधे फंदों की तरह बंद कर देंगे तो जो चैन है ना वो हमारी उल्टी साइड में चली जाएगी। तो देखिए बातों बातों में ना मैंने सारे फंदे जो हैं कम कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा धागा जो है बीच में अटक रहा है, ऐसे निकल आया। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों का भी हम 1 फंदा बना देंगे। देखिए ऐसे ही करके इसको पक्का कर देंगे। जैसे हमने ये देखिए चैन कितनी सुंदर लग रही है, जैसे हमने ना इसमें 22 रो बना के 11 लाइनें निकाली हैं, सेम तरीके से अब हम इस साइड भी करेंगे। इस साइड को भी हमने धागा जॉइंट कर लेना है पहले। और पहले धागे को ना हम ऐसे दबा लेंगे एक बार। एक बार दबाने के बाद फिर धागा हमने अपनी तरफ करना है। धागे में थोड़ा बल आ जाएगा ना तो टाइट हो जाएगा। ऐसे देखिए अब हम उल्टे फंदों की रो बना लेंगे और सेम तरीके से हमने बुनते जाना है दोनों साइड से। कुछ भी मुश्किल नहीं है और इसी तरह हमने सेम मेजरमेंट का जो है दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। और सेम तरीके से मैं बंद करूँगी राइट साइड से। ये देखिए पहली रो हो चुकी है, रॉन्ग साइड में आ चुके हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। इतना पोंचों को मैंने दोनों साइड से बना के रेडी कर लिया है। तो जैसे हमने नीचे ये देखिए हमारा घेर भी तैयार हो गया और पोंचों भी, जैसे हमने नीचे घेर तैयार किया था ना
फ्लेयर बनाया था उसी तरीके से मैंने कैप भी बनाई है। कैप में मैंने 12 फंदे ही कास्ट ऑन किए हैं, लेकिन मैं देख लेती हूँ कि इसमें मैंने कितनी रो बनाई है, आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 रो मैंने बनाई है। और काफ़ी ये देखिए फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट हो जाती है, हमने ज़्यादा जो है इसको लंबा नहीं बनाना, अदरवाइज ये सिर से नीचे गिरेगी। तो अभी मैं पहना के देखूंगी कि ये भी हमारी जो फिट आ रही है या नहीं। देखिए इसमें मैंने धागा छोड़ा, इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले सीधी साइड हम अंदर कर देंगे और उल्टी साइड जो है बाहर कर लेंगे। सिंपल है, थोड़ा सा ही हमने सिलाई करना है, ज़्यादा नहीं सिलाई करना है इसको। ऐसे पहले यहाँ से पक्का कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ से ना स्टिच जो जिसमें से हमने पहले लूप छोड़ा होता है ना उसमें से हमारा धागा खिसकता रहता है। तो ऐसे आसान तरीके से ही हमने सिलाई कर लेना है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जहाँ पर लगता है ना मुझे भी बाद में हमें धागा अटैच करना पड़ेगा तो मैं पहले ही धागा छोड़ देती हूँ कि बार बार जॉइंट हमें ना लगाने पड़े। उससे क्या होता है कि फिनिशिंग जो है ख़राब हो जाती है हमारी और थोड़ा टाइम भी लग जाता है धागा दबाने में। तो ऐसे करके हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। एक स्टिच आगे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एंड है ना वो नज़र ना आए, जैसे हमारी दूसरी लेयर निकल के आ रही है उसी तरीके से आए। ऐसे यहाँ पर अच्छे से पक्का कर देंगे। देखिए हमारी कैप बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम पोंचों में डोरी लगा लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड को हमने ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए ये हमारी ऊपर वाली राइट साइड है और ऐसे हमने ना इस एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। और मैंने सेम तरीके से ना डोरी बना के रखी है जैसे मैंने पहले बनाई थी। तो थोड़ा धागा छोड़ लिया मैंने, अब हम इसको डोरी को इसमें इंसर्ट कर देंगे। आसानी से ही हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जो धागा मैंने छोड़ा है दोनों साइड उसको कट कर दूंगी मैं। अब पहनाते हैं गाना जी को हम। पूरी ड्रेस हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए पहले हम नीचे का घेर पहना लेते हैं। तो ऐसे हमने इतनी लंबी डोरी बनानी है, जब भी बनानी है जो हमारी आसानी से नोट आ जाए। तो ऐसे देखिए ये तो बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल भी छोटा नहीं है, फुल फ्लेयर में आया है हमारा घेर निकल के। अब हम लड्डू गोपाल जी को देखिए ऊपर का पोंचा पहनाएंगे और जो हमने डोरी छोड़ी है ना उसको दोनों बाजू के नीचे से निकाल के ऐसे हम बैक साइड में बांध देंगे। करके ये देखिए बहुत ही अच्छी है, ये देखिए कितनी फिटिंग में बनी है और पीछे से सारा एरिया जो है कवर हो चुका है।
ये हमारी कैप है और कैप को देखती हूँ मैंने, मुझे कैप में थोड़ा डाउट है कि हमारा जो मैंने आइडिया से ही बनाई थी स्ट्रिप्स, ये देखिए बहुत ज़्यादा शानदार कैप बनी है और बहुत ही फिटिंग में आई है दीदी, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। जो गार्टर स्टिचेस से हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वो एडजस्ट जरूर होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा कान्हा जी, तो देखिए बहुत शानदार ड्रेस बनी है और ना तो लूज है ना ही टाइट है। पैसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे, तो देखिए फाइनल लुक देखिए इस ड्रेस का कितना प्यारा लग रहा है हमारा लड्डू गोपाल। तो अगर आप बात करें कि हम बैक साइड से मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए मैं ना फंदे डालने में कभी भी कंजूसी नहीं करती कि हम 10-20 फंदे जो है कम डाल लें, मैं बैक साइड से इतना बनाती हूँ कि हमेशा टच हो जाए। ये देखिए फ्लेयर जो है बिल्कुल टच में है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो मैं ऐसे ही ड्रेसेज बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, अदरवाइज अगर हम थोड़े फंदे कम डाल लेंगे तो हमारा जो पीछे से गैप बना रहता है, मैंने हमेशा उसको कवर करने की कोशिश की है कि हम कैसे कवर करें। तो पूरे लड्डू गोपाल जी कवर हो गए हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी हवा आने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं से हवा लग जाएगी लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, ड्रेसेस पसंद आए मेरे बनाए हुए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।